नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय ट्विन्स है। ट्विन्स के बारे में मैंने डिस्कशन करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि ट्विन्स के पेशेंट्स को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके बारे में उनके काफ़ी सारे सवाल होते हैं, और IVF में ज़्यादातर पेशेंट्स को ट्विन्स होते हैं। इस करके ट्विन्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा। कुछ पेशेंट्स तो घर से ही सोच कर आते हैं कि IVF करवा रहे हैं तो ट्विन्स ही हो जाएं, और वह खुद ही मांगते हैं कि मैडम हमारे ट्विन्स कर दो, क्योंकि वो दूसरों के बच्चे देखते हैं और उनको काफ़ी शौक होता है कि उनके घर में भी ट्विन्स हों। हम हमेशा पेशेंट को समझाते हैं कि हम दो एम्ब्रियोज रखते हैं। वैसे तो हम एक भी एम्ब्रियो रख सकते हैं, पर हम दो एम्ब्रियोज इसलिए रखते हैं कि हर एक पेशेंट जो है वो अपनी पॉकेट से IVF करवा रहा है, उसको कोई इंश्योरेंस नहीं है, और उसके सक्सेस के चांसेस फर्स्ट साइकिल में काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अगर हम एक एम्ब्रियो रखते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस हाफ हो जाते हैं, और अगर हम दो एम्ब्रियोज रखते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ते हैं और ट्विन्स होने की संभावना भी बढ़ती है। कुछ पेशेंट्स जिनमें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उनकी एज थोड़ी सी हायर साइड पे है, या उनको कोई BP, शुगर या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें वह प्रेगनेंसी अच्छे से कैरी नहीं कर पाते, उसमें हम खास करके उनको सलाह देते हैं कि आप एक बेबी रखवाएं। अगर दो एम्ब्रियोज रख दिए जाएं तो ट्विन्स होने की प्रोबेबिलिटी 30-40% होती है। तो IVF में काफ़ी सारे पेशेंट्स ट्विन्स प्रेगनेंसी के होते हैं। अब ट्विन्स प्रेगनेंसी तक तो ठीक है, मगर अगर इससे ज़्यादा बेबी होते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स। तो कुछ IVF सेंटर्स में दो से ज़्यादा एम्ब्रियोज जब रखे जाते हैं तो इनकी प्रॉब्लम काफ़ी आती है, और मेरा ये मानना है कि ट्रिपलेट्स तो बिल्कुल एक तरह से होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में है कि हम एक टाइम पे कितने बेबीज रख सकें। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में बच्चे के माँ बाप के हाथ में आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वह 20-22 या 25 हफ्ते तक अबॉर्ट कर जाते हैं। पर ट्विन प्रेगनेंसी में फिर भी पूरे टर्म तक जाने की संभावना होती है। अब ट्विन प्रेगनेंसी में आए तो ट्विन प्रेगनेंसी के पेशेंट्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो शुरू में ऐसे पेशेंट्स का अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने की संभावना दूसरे पेशेंट्स से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर ऑल जो हैं वो दो होती हैं, ज़्यादातर IVF में ऐसा होता है, तो ऑल के नीचे चिपक जाने की संभावना भी ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इनको कई बारी हॉस्पिटल में एडमिशन भी करवाना पड़ता है। उसके बाद ट्विन प्रेगनेंसी में पेशेंट्स को वॉमिटिंग ज़्यादा होने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि उनको जो हाइपरएमेसिस या प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद ट्विन प्रेगनेंसी में जो है बच्चे जो हैं उनका टाइम से पहले डिलीवरी होने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, यानी कि प्री टर्म बेबी। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए एक तो इनको कुछ मेडिसिन जो है प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो लंबे समय तक चलाई जाती है, फिर 12 से लेकर 18 हफ्ते तक बच्चेदानी का मुंह जो है उसकी लेंथ चेक की जाती है, और अगर इसकी लेंथ जो है वह कम हो रही हो या हमें लग रहा हो कि ये पेशेंट को प्री टर्म होने का रिस्क है तो ऐसे केस में हम स्टिच लगाने की सलाह देते हैं। हर एक पेशेंट जो ट्विन्स का है उसमें हम स्टिच लगाने की सलाह नहीं देते, हम सिर्फ वो पेशेंट्स जिनमें या तो पहले प्रीवियस हिस्ट्री है कि उनकी टाइम से पहले डिलीवरी हुई, या फिर उनकी जो है बच्चेदानी का मुंह जो है वो छोटा हो रहा है, तो उनमें हम स्टिच लगाने की सलाह देते हैं। जो सर्वाइकल स्टिच है वह एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, वह अगर इलेक्टिवली किया जाए यानी कि कोई एमरजेंसी ना हो उस केस में किया जाए तो वह काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फ्री है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है और फिर पेशेंट घर चला जाता है। जो सर्वाइकल स्टिच का प्रोसीजर है उसमें जिस दिन प्रोसीजर हुआ उसके अगले दिन हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। फिर सर्वाइकल स्टिच के बाद जो पेशेंट्स हैं उनको हम ये समझाते हैं कि कम से कम 28 हफ्ते तक अगर प्रेगनेंसी चल जाए तो बच्चों के हाथ लगने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। बच्चे नर्सरी में ज़रूर रहते हैं कुछ समय तक, मगर बच्चे के जीवित रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए 28 से 30 हफ्ते, 32 हफ्ते, 34 हफ्ते, 36 हफ्ते तक ये पेशेंट्स की जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही बच्चों के अच्छे और स्वस्थ रहने की भी संभावना बढ़ती जाती है। अगर 36 से 37 हफ्ते तक प्रेगनेंसी चली जाए तो बच्चे नर्सरी में नहीं जाते, कई बार सीधा जो है ऑपरेशन के बाद घर चले जाते हैं।
ट्विन प्रेगनेंसी में हम नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं लेते हैं और हम सीधा ही सिजेरियन सेक्शन की सलाह देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ उसी केस में होती है जिसमें पेशेंट घर से ही बच्चेदानी का पूरा मुंह खुला हुआ हो और इमरजेंसी में आ जाए और कह लीजिए डिलीवरी होने ही वाली हो, उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी की जाती है। वेयर एज अगर हम अपने आप अगर पोस्ट कर रहे हैं या अपने आप हमारे हाथ में है तो हम ज़्यादातर सिजेरियन करना प्रेफर करते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में एक दो चीज़ें हम और जो बताते हैं कि एक तो हम 28 से 30 हफ्ते तक, क्योंकि हमें डर होता है कि टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है, तो हम 28 से 30 हफ्ते तक स्टीरॉयड का टीका ज़रूर लगाते हैं। स्टीरॉयड का टीका बच्चे के फेफड़े मच्योर होने में हेल्प करता है और इससे बच्चों के नर्सरी में सर्फेक्टेंट लगने की या कुछ ऐसा महंगा टीका लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। स्टीरॉयड का टीका जो है वह दो टीके लगते हैं एक दिन के अंतराल पर। ऐसा हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है या हमें ऐसे लगता है कि ये पेशेंट टाइम से पहले डिलीवर कर सकता है। स्टीरॉयड के टीके के लिए दाखिल रहना ज़रूरी नहीं होता, पर जो पेशेंट्स में कुछ सांस की बीमारियां या शुगर की बीमारी होती है, ऐसे केसेस में थोड़ा सोच समझ के ही हम स्टीरॉयड का टीका लगाते हैं। उसके बाद जो बच्चों का नर्सरी में रहना है, उसमें कुछ लोग जो हैं वो बच्चों का नर्सरी में रहने को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तुरंत एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बहुत खर्चा हो रहा है या बच्चे ठीक ही तो हैं, उनको क्यों रखा हुआ है। तो हम ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनकी प्रॉब्लम एक तो ये होती है कि वे प्रॉपरली फीड नहीं ले पाते, तो अगर बच्चों को तुरंत घर भेज दिया जाए और माँ बाप को बच्चों को संभालने की ऐसी ट्रेनिंग ना हो तो उनके चोक होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। वह फीड प्रॉपरली नहीं ले पाते और प्रॉपरली फीड ना लेने के कारण भी उनकी शुगर लेवल्स कम होती हैं और वह एकदम लिम्प हो जाते हैं। तो माँ बाप को बच्चों को घर में संभालने की जो ट्रेनिंग है वह भी साथ साथ दी जाती है नर्सरी में, जिससे वो जो है बच्चों को अच्छे से घर में पाल पाते हैं और कॉम्प्लिकेशन का चांस कम होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम किसी भी पेशेंट को उसके दिमाग में ये नहीं डालते कि ट्विन्स हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और हम किसी पेशेंट को ये भी नहीं कहते कि ट्विन्स नहीं होने चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम दो एम्ब्रियोज रखते हैं, दो में से एक भी चल पड़ सकता है, दो भी चल पड़ सकते हैं, वह पेशेंट की किस्मत है। मगर जैसे कुछ लोग बहुत शौक करते हैं कि हमें ज़रूर ट्विन्स हों, उन्हें हम यही समझाना चाहते हैं कि ट्विन्स एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है, इसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स आने की संभावना ज़्यादा है। इस करके अगर ट्विन्स हों तो ये जो है हाई रिस्क या कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी बन सकती है और ट्विन्स को बहुत ध्यान से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।